पंजाब पुलिस में कार्यरत इंस्पेक्टर विनोद कुमार की 37 साल की सर्विस पूरी होने पर एक विदाईगी समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित गणमान्य लोगों ने विनोद कुमार को उनकी रिटायरमेंट की बधाइयां दी। विनोद कुमार कांस्टेबल के पद पर पुलिस में भर्ती हुए थे। इस दौरान उन्होंने 240 सर्टिफिकेट्स क्लास एक और क्लास दो के प्राप्त किए हैं। इसके अलावा उन्हें 26 जनवरी 1999 में राष्ट्रपति मेडल भी मिला। पिछले 5 सालों से विनोद कुमार श्री देवीतला मंदिर की सुरक्षा प्रणाली के अध्यक्ष के तौर पर कार्यरत हैं। इस दौरान विनोद कुमार ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद भी वह श्री देवीतला मंदिर की सुरक्षा प्रणाली के अध्यक्ष के तौर पर अपनी सेवाएं देते रहेंगे। इस मौके पर श्री देवीतला मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज ने कहा कि वे विनोद कुमार को सुरक्षा प्रणाली के अध्यक्ष के पद पर तब तक बरकरार रखेंगे जब तक कि वह खुद इस पद से हटना ना चाहे। इस मौके पर अजय लाली, पवन मेहता, भारत भूषण बजाज, अरुण वर्मा, रमेश कुमार, निर्मल सिंह, नरेंद्र कुमार, देवेंद्र सिंह, रुपेंद्र कौर, देवेंद्र, जितेंद्र कुमार, बख्शो रानी, लक्ष्मी देवी, मलकीत सिंह, गुरनाम सिंह सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। श्री विनोद कुमार जी जड़े पंजाब पुलिस के इंस्पैक्टर से इंस्पैक्टर है और 31 अक्टूबर पंजाब सरकार ने उन्होंने रिटायरमेंट देती है। इन्होंने 5 साल श्री देवी तला मंदिर के निपक्ष हो के बहुत अच्छी तरह सेवा की। मंदिर के दिन रात इन्होंने सेवा की और अपना जिदा परिवार होंगे वह लग के सेवा की। मंदिर कमेटी इन्हों की बहुत आभारी है जेने इन्होंने 5 साल मंदिर से बहुत अच्छी तरह निभाए। और मैं एक शहर वासियों को दसना चाहना, आफ्टर रिटायरमेंट इन्होंने वलंटरी किया है मंदिर कमेटी को भी मैं इतने मंदिर की एज ए सिक्योरिटी के इंचार्ज की सेवा कराँगा। मंदिर कमेटी के सारे सदस्य और सारे सेवादार इस कार्य वास्ते इन्हों की बहुत सराहना करते हैं और मैं परसनली अपने वालों भी इन्हों तय दिल धन्यवाद करता और कमेटी के मैंबर और सारे जिन्हें भी सेवादार मंदिर के उन्होंने वालों धन्यवाद करता इस जो सहयोग है।